हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर न केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन सिस्टम के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारे मैसेज सिग्नल होते हैं या फिर ऑडियो सिग्नल्स होते हैं, ये काफी वीक सिग्नल्स होते हैं, इनको आप लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिट नहीं कर सकते, क्योंकि ये कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद डाई आउट हो जाते हैं, मर जाते हैं, इनकी स्ट्रेंथ जो है वो खत्म हो जाती है। अगर आप ऑडियो सिग्नल या मैसेज सिग्नल को बहुत दूर दूर तक ट्रांसमिट करना चाहते हैं, तो आपको एक काम करना होता है, आपको इन सिग्नल्स को किसी हाई फ्रिक्वेंसी करियर सिग्नल के साथ सुपर इम्पोज करवाना होता है, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होता है? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हाई फ्रिक्वेंसी करियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड जो है वो मैसेज सिग्नल या आपके ऑडियो सिग्नल के अकॉर्डिंग वेरी करता है, और साथ के साथ आपका करियर सिग्नल की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो कांस्टेंट रहती है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। आइए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को ग्राफिकली समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारा लो फ्रिक्वेंसी मैसेज सिग्नल या फिर ऑडियो सिग्नल, इसको हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल बोलते हैं, इसको हम मैसेज सिग्नल भी बोल सकते हैं, इसको हम बेस बैंड सिग्नल भी बोल सकते हैं। इस सिग्नल को हम डिनोट करेंगे MT से, यहाँ पर Y एक्सिस में हम MT लेंगे और इस एक्सिस पर हम टाइम लेंगे, इसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो बहुत कम है। इसको हम सुपर इम्पोज करवाएंगे किसी हाई फ्रिक्वेंसी करियर सिग्नल के साथ। ये हमारा करियर सिग्नल है, इसकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा है, और इस करियर सिग्नल को हम डिनोट करेंगे CT से वर्सेस टाइम, और इन दोनों को सुपर इम्पोज करने के बाद जो हमें रिजल्टेंट सिग्नल मिलेगा उसे हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल, जो कि कुछ इस प्रकार से होगा। आप देख सकते हैं कि इस सिग्नल में जो करियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड था वो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है, जबकि करियर सिग्नल की जो फ्रिक्वेंसी यहाँ पर थी वही फ्रिक्वेंसी आपके इस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल में होगी। मीन्स यहाँ पर करियर सिग्नल की फ्रिक्वेंसी जो है वो कांस्टेंट रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, और करियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड जो है वो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग वेरी करेगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। हम मान लेते हैं कि जो हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है उसका जो एम्पलीट्यूड है वो है AM, तो ये सिग्नल जो है वो प्लस AM से माइनस AM के बीच में वेरी करेगा। और हम मान लेते हैं कि जो हमारा करियर सिग्नल है उसका जो एम्पलीट्यूड है वो है AC, और ये सिग्नल जो है करियर सिग्नल, इसका एम्पलीट्यूड प्लस AC से माइनस AC के बीच में वेरी करेगा। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो डायग्राम तो आप ये ड्रॉ करेंगे, इसकी थ्योरी को आप कहां से स्टार्ट करके आएंगे, आइए अब वो देख लेते हैं। इन AM, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को मैं शॉर्ट फॉर्म में AM से ही लिखूंगा हर बार। इन AM द एम्पलीट्यूड ऑफ द करियर वेव इज वेरिड इन अकॉर्डिंग विद द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल व्हाइल द फ्रीक्वेंसी ऑफ द करियर वेव रिमेन्स कॉन्स्टेंट। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में जो करियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड होगा वो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग जो है वो वेरी होगा, और जो हमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिलेगा उसमें जो फ्रिक्वेंसी होगी करियर सिग्नल की वो सेम रहेगी। यहाँ पर करियर सिग्नल की फ्रिक्वेंसी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो कॉन्स्टेंट रहेगी, जबकि करियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड जो है वो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग वेरी होगा, इसलिए इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। AM is done by an electronic device called modulator. अगर आप modulating signal को career signal के ऊपर superimpose करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं
कि करियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड जो है वो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग वेरी करे, तो आपको एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज करना होता है और उस डिवाइस को हम बोलते हैं मॉड्यूलेटर। लेट द मॉड्यूलेटिंग वेव इज रिप्रेजेंटेड एज, देखिए स्टूडेंट्स जो हमारी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है वो एक साइन वेव है और इसको हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को हमने एम टी से डिनोट किया है, तो इसको एक साइन फंक्शन से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एम टी इज इक्वल टू, इसका एम्पलीट्यूड कितना लिया हमने, ए एम इंटू साइन ओमेगा सी टी, जहां पर ओमेगा सी है एंगुलर फ्रिक्वेंसी। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एम टी इज इक्वल टू ए एम साइन ओमेगा सी को हम रिप्लेस कर सकते हैं बाय टू पाई एफ सी, क्योंकि हमें पता है ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है टू पाई एफ, ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है तो यहाँ पर हम एम लगाएंगे ओमेगा के सबस्क्रिप्ट में, ओमेगा एम, तो यहाँ पर आएगा टू पाई एफ एम टी, जहां पर एफ एम है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो आप नीचे लिखेंगे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कंटेन्स इंफॉर्मेशन एंड इज ऑल्सो नोन एज मैसिव सिग्नल और बेस बैंड सिग्नल। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल वो इंफॉर्मेशन कैरी करता है जो आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसमिट करना चाहते हैं ओवर अ डिस्टेंस। और इस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के दो नाम और हैं, वो है मैसिव सिग्नल और इसको आप बेस बैंड सिग्नल के नाम से भी बुला सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके आगे का पार्ट हम देखेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हमने मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को कुछ इस प्रकार से एक्सप्रेस कर दिया था, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर वन। इसी प्रकार से करियर सिग्नल को जो कि एक साइनोसोडल सिग्नल है लाइक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, इसको भी हम कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे द करियर सिग्नल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, करियर सिग्नल को हम सीटी से डिनोट कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे सीटी इज इक्वल टू, इसका जो एम्पलीट्यूड है वो है एसी, तो यहाँ पर आप एसी लिखेंगे साइन ओमेगा सी टी। करियर सिग्नल की एंगुलर फ्रिक्वेंसी को हमने ओमेगा सी मान लिया और ओमेगा सी को हम ऐसे लिख सकते हैं एसी साइन टू पाई एफ सी टी, जहां पर एफ सी है फ्रीक्वेंसी ऑफ करियर सिग्नल, इसको हम दे देते हैं सेकेंड इक्वेशन। तो आइए आगे बढ़ते हैं। करियर सिग्नल कंटेन्स नो इन्फॉर्मेशन एंड हैज फ्रीक्वेंसी हायर देन दैट ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, करियर सिग्नल में कोई भी इंफॉर्मेशन कंटेन नहीं होती और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है एफ सी वो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी एफ एम से बहुत बहुत ज्यादा होती है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं करियर सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, दैट इज एफ सी इज ग्रेटर देन एफ एम। तो अगर एफ सी एफ एम से ज्यादा है तो आपका ओमेगा सी जो है वो भी ज्यादा हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा एम, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे ओमेगा सी जो है वो ओमेगा एम से बड़ा होगा, इस चीज को आप नोट कर लेंगे क्योंकि आगे ये चीज यूज होगी। ये हमारी थर्ड इक्वेशन है। द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, जब आप इस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को करियर सिग्नल पर सुपर इम्पोज कर देंगे जो रिजल्टेंट सिग्नल आपको मिलेगा जिसको हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, और इसका जो ये एनवेलप है, ये जो एनवेलप है इसको हम बोलते हैं एनवेलप ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो इसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हमने सी एम टी से रिप्रेजेंट किया है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को, तो यहाँ पर हम सी एम टी लिखेंगे। इसका करियर सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है ए सी वो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग वेरी होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में। तो जो हमारा करियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड था एसी, इसमें आप एक टर्म ऐड कर देंगे और वो टर्म होगी एमटी, ये होगा एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, जबकि जो फ्रीक्वेंसी है करियर सिग्नल की वो सेम रहती है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में। तो साथ में आप मल्टीप्लाई में लिखेंगे साइन टू पाई एफ सी टी। तो आप देख सकते हैं कि जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होगा उसमें जो करियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी होगी एफ सी वो सेम होगी, जबकि करियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड जो है वो हमारे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग जो है वो वेरी करेगा। तो स्टूडेंट्स इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फोर। इसके आगे का पार्ट हम देखेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हम इक्वेशन नंबर फोर तक पहुंच चुके थे, अब आप क्या करेंगे, इस ब्रैकेट में से AC कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा CMT is equal to AC plus 1 plus यहां पर आ जाएगा 1 upon AC आगे आ जाएगा, यहां पर MT sin 2 pi FCT।
ये जो 1 बाय ए सी होता है ये कांस्टेंट होता है, इसको हम के ए से डिनोट करते हैं। तो 1 बाय ए सी को आप के ए से रिप्लेस कर देंगे तो आपको मिलेगा सी एम टी इज इक्वल टू ए सी 1 प्लस के ए एम टी साइन 2 पाई एफ सी टी, वेयर के इज इक्वल टू 1 बाय ए सी। ये कांस्टेंट होता है जिसको हम बोलते हैं मॉड्यूलेटर की एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी, और इसको हम वोल्ट इनवर्स में मेजर करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये तो हो गया आपका एक पार्ट की के को हमने यहाँ पर डिफाइन किया कि के हमारा क्या होता है, एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी होता है मॉड्यूलेटर की, और इसको वोल्ट इनवर्स में हम मेजर करते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एम टी की वैल्यू पुट करेंगे। एम टी की वैल्यू हमने फर्स्ट इक्वेशन में लिखी थी जो कि थी एम टी इज इक्वल टू ए एम साइन 2 पाई एफ एम टी, तो यहाँ पर एम टी की वैल्यू पुट कर दो। तो आप लिखेंगे यूजिंग 1 in 4 वी गेट सी एम टी इज इक्वल टू ए सी प्लस एम टी की जगह हम लिख रहे हैं ए एम साइन 2 पाई एफ एम टी, और मल्टीप्लाई में तो साथ में है ये साइन 2 पाई एफ सी टी। अब हम यहाँ से ए सी दोबारा से कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा सी एम टी इज इक्वल टू ए सी 1 प्लस ए एम के नीचे ए सी आ जाएगा 2 पाई एफ एम टी 2 पाई साइन 2 पाई एफ सी टी। तो स्टूडेंट्स इसके आगे का पार्ट हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हम यहां तक पहुंच चुके थे। देखिए स्टूडेंट्स ये जो रेशो है ए एम बाई ए सी ये एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट होता है और इसको हम बोलते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स, जिसको हम म्यू से डिनोट करते हैं। तो आप ए एम अपॉन ए सी को म्यू से रिप्लेस कर देंगे और इस 2 पाई एफ एम को ओमेगा एम से ही रिप्लेस कर देंगे और इस 2 पाई एफ सी को ओमेगा सी से रिप्लेस करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो आप लिखेंगे सी एम टी इज इक्वल टू ए सी 1 प्लस ए एम बाई ए सी की जगह म्यू लिख दिया, साइन 2 पाई एफ एम जो है वो ओमेगा एम था तो ओमेगा एम लिख दिया इंटू टी, यहाँ पर साइन 2 पाई एफ सी की जगह ओमेगा सी लिख दिया टी, वेयर म्यू इज इक्वल टू ए एम बाई ए सी रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल टू द एम्पलीट्यूड ऑफ करियर सिग्नल। एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट होता है और इसको हम बोलते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स। इसके दो नाम और भी हैं, वो है मॉड्यूलेशन फैक्टर या फिर इसको आप डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन भी बोल सकते हैं, बट इसको हम जनरली मॉड्यूलेशन इंडेक्स के नाम से ही जानते हैं। और म्यू की जो वैल्यू होती है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 होती है इन केस ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, आपको एमसीक्यू में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में मॉड्यूलेशन इंडेक्स की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, इट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1। यहाँ पर आप क्या करेंगे, अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ए सी को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, साथ में साइन ओमेगा सी को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा सी एम टी इज इक्वल टू ए सी को 1 से किया साथ में तब मल्टीप्लाई हो रही है तो आपको मिलेगा ए सी साइन ओमेगा सी टी, और इसको इसको और इसको मल्टीप्लाई करके आपको मिलेगा प्लस ए सी म्यू साइन ओमेगा सी टी इंटू साइन ओमेगा एम टी। तो स्टूडेंट इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे और आगे बढ़ेंगे आने वाले सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हम यहां तक पहुंच चुके थे, सी एम टी इज इक्वल टू ए सी साइन ओमेगा सी टी प्लस ए सी म्यू साइन ओमेगा सी टी साइन ओमेगा एम टी। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हम यहाँ पर अप्लाई करना चाह रहे हैं 2 साइन ए साइन बी की आइडेंटिटी। तो हमें पता है 2 साइन ए साइन बी क्या होता है, 2 साइन ए साइन बी होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। यहाँ पर ए जो होगा वो होगा ओमेगा सी टी और बी होगा ओमेगा एम टी। तो आप ए और बी की जगह इस आइडेंटिटी में ये वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा ये वो देखते हैं। सी एम टी इज इक्वल टू ये टर्म एज इट इज रहेगी, ए सी साइन ओमेगा सी टी ऐसी रहेगा, ये बाहर वाली टर्म ऐसी रहेगी ए सी म्यू बाय 2 ऐसी रहेगा, और यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे आइडेंटिटी जो कि होती है कॉस ए माइनस बी। तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम टी, टी हमने कॉमन ले लिया, माइनस कॉस ए प्लस बी तो यहाँ पर ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम टी कॉमन ले लिया हमने। एक चीज का आप ध्यान रखेंगे, जब आप इनको माइनस या प्लस करेंगे तो ओमेगा सी को पहले लिखेंगे क्योंकि हमें पता है ओमेगा सी जो है वो ग्रेटर देन था ओमेगा एम के, तो ओमेगा सी पहले लिखेंगे आप, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो ये ब्रैकेट ओपन करते हैं, ए सी म्यू बाय 2 को इससे और इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलेगा सी एम टी इज इक्वल टू ए सी साइन ओमेगा सी टी प्लस ए सी म्यू बाय 2 कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम टी माइनस ए सी म्यू बाय 2 कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम टी। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो यहाँ से आपको क्या दिखाई दे रहा है कि जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल होगा उसमें 3 कॉम्पोनेंट्स होंगे। पहला कॉम्पोनेंट 1,
दूसरा कंपोनेंट दो, तीसरा कंपोनेंट ये होगा। पहला कंपोनेंट क्या है हमारा? पहला कंपोनेंट तो हमारा वही है, करियर सिग्नल ही है। करियर सिग्नल हमारा क्या था? वो था CT इज इक्वल टू AC साइन ओमेगा CT, यही तो था हमारा करियर सिग्नल फ्रॉम इक्वेशन नंबर टू। तो हमारी जो फर्स्ट टर्म है वो करियर सिग्नल को रिप्रेजेंट कर रही है। करियर सिग्नल के साथ साथ यहाँ पर आपको दो एडिशनल कॉम्पोनेंट्स भी दिखाई दे रहे हैं। एक कॉम्पोनेंट है ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम विच इज स्लाइटली लेस देन ओमेगा सी, और यहाँ पर दूसरा कॉम्पोनेंट है आपके पास ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम फ्रीक्वेंसी वाला विच इज स्लाइटली हायर देन ओमेगा सी फ्रीक्वेंसी। तो इसको हम बोलते हैं लोअर साइड बैंड, इसको हम बोलते हैं अपर साइड बैंड, क्योंकि इस बैंड की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो करियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी से थोड़ी सी कम होगी, और इस बैंड की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो करियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी से थोड़ी सी ज्यादा होगी, इसको हम अपर साइड बैंड बोलेंगे। तो कंक्लूजन में आप लिखेंगे दस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कंसिस्ट ऑफ नंबर वन करियर वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी, एक आपकी करियर वेव होगी ओरिजिनल करियर वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी है। नंबर टू साइनोसोडल वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, तो साइनोसोडल वेव को हम कॉस साइन किसी भी फंक्शन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये एक्चुअली हमारी ये साइन वेव ही है जिसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम होगी, इसको हम बोलेंगे लोअर साइड बैंड LSB। और तीसरा कंपोनेंट होगा साइनोसोडल वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, इसको हम बोलेंगे अपर साइड बैंड USB, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी करियर फ्रीक्वेंसी से थोड़ी सी ज्यादा होगी। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम प्लॉट करेंगे स्पेक्ट्रम ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, साथ के साथ हम बात करेंगे बैंडविड्थ ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बारे में। तो स्टूडेंट्स अब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे एम्पलीट्यूड वर्सेस ओमेगा का फॉर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो स्टूडेंट्स हमने देखा था कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल में तीन कॉम्पोनेंट्स होते हैं, एक होता है करियर फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी वाला, तो वो पहले हम ड्रॉ करेंगे। तो वाई एक्सिस पे आप लेंगे एम्पलीट्यूड और एक्स एक्सिस पे लेंगे ओमेगा इन रेडियंस। तो दिस इज योर फर्स्ट कंपोनेंट जिसकी फ्रीक्वेंसी होगी ओमेगा सी, और इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो तो कितना होगा, एम्पलीट्यूड कितना है करियर सिग्नल का, वो है AC। तो दिस इज योर AC। और दो कॉम्पोनेंट्स होंगे ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम एंड ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, बट इनके जो एम्पलीट्यूड होंगे वो दोनों के सेम होंगे, AC μ/2, AC μ/2। तो यहाँ पर आप दो कॉम्पोनेंट्स ड्रॉ करेंगे, एक होगा ऑफ फ्रीक्वेंसी लेस देन ओमेगा सी फ्रीक्वेंसी जो कि है ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, और दूसरा कॉम्पोनेंट होगा ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, इसे हम बोलेंगे अपर साइड बैंड और इसे हम बोलेंगे लोअर साइड बैंड। और इन दोनों के जो एम्पलीट्यूड होंगे वो बिल्कुल इक्वल होंगे, बट आपके सेंट्रल कंपोनेंट से इसका एम्पलीट्यूड कम होगा और वो होगा AC μ/2। तो ये है स्टूडेंट्स आपका स्पेक्ट्रम ऑफ AM, इसको आप स्पेक्ट्रम ऑफ AM भी बोल सकते हैं, ये भी आप एग्जाम में प्लॉट करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं बैंडविड्थ ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव के बारे में। जो बैंडविड्थ होती है वो होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ अपर साइड बैंड माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ लोअर साइड बैंड, और बैंडविड्थ को हम डिनोट करते हैं डेल्टा ओमेगा से। तो आप इसमें लिखेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ USB माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ LSB। USB की फ्रीक्वेंसी है ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, और लोअर साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी है ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो ब्रैकेट्स ओपन होंगी, तो ये साइन प्लस का हो जाएगा, ओमेगा सी से ओमेगा सी कैंसल, सो डेल्टा ओमेगा विल बी ट्वाइस ऑफ ओमेगा एम। मींस ये जो बैंडविड्थ होती है वो होती है ट्वाइस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी का ट्वाइस होती है आपकी बैंडविड्थ ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो स्टूडेंट्स ये था आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और उसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन। आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ। टिल देन टेक केयर।